कार किराए पर ली, रास्ते में ड्राइवर की हत्या कर शव नदी में फेंका। महाराष्ट्र के पालघर जिले से किराए पर कार लेकर उसके ड्राइवर की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल चार लोगों ने 12 अगस्त की शाम को 4 दिनों के लिए नासिक जाने के लिए पालघर स्थित व्यवसायी महेश से एक अर्टिका कार किराए पर ली। महेश का भरोसेमंद ड्राइवर आसिफ घाची कार के साथ था। जब कार जवाहर नासिक घाट पर पहुंची तो ड्राइवर को नायलॉन की रस्सी से उसका गला खोद दिया और शव को सड़क के किनारे झाड़ी में फेंक दिया। इसके बाद हत्या आरोपी कार चुरा कर भाग गए। मंगलवार को ड्राइवर आसिफ का शव जवाहर और तंबेश्वर के बीच घाटी में मिला। पालघर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच करने पर कार पालघर जवाहर नासिक समृद्धि हाईवे सिन्नर औरंगाबाद नागपुर रायपुर छत्तीसगढ़ होते हुए कोलकाता पश्चिम बंगाल की ओर गई है। सीसीटीवी फुटेज में पता चला कि गाड़ी नासिक के सिन्नर के पास टोल बूथ से गुजरी। हालांकि देखने में आया कि आसिफ की जगह कोई दूसरा शख्स कार चला रहा है। महाराष्ट्र पुलिस ने आरोपियों को उड़ीसा से अरेस्ट किया। इस घटना से किराए पर कार उपलब्ध कराने वालों सहित ड्राइवर में डर पैदा हो गया है। ये मेरे भाई का लड़का है, इसको शनिवार को पालघर स्टेशन पे अनजान आदमी 3 आए कि इनको 4-व्हीलर गाड़ी मिलता है भाड़े पे। ने वो लोग ने ऐसा भी बोला कि इनको पीला नंबर का गाड़ी नहीं मिलता है, पीला टूरिस्ट वाला प्राइवेट मिलता है। तो मेरे भाई के लड़के ने उसके दोस्त का गाड़ी था उसका नंबर दिया कि इनके पास गाड़ी है, आपको नासिक जाना है तो ये नंबर पे बोलो तो आएगा। फिर वो लोग 1:30 बजे उनकी मुलाकात हुई थी, बाद में वो नंबर दे के चले गया। अब मेरा भाई ऑटो चलाता, भाई का लड़का ऑटो चलाता है, फिर वो अपने धंधे पे था। फिर 4 बजे वो लोग ने जो नंबर दिया उसको एक वड़ा पाव वाले के पास जाके वड़ा पाव खाए। फिर वड़ा पाव वाले के नंबर से वो लोग ने गाड़ी वाले को कॉन्टेक्ट किया। वड़ा पाव वाले को बोला कि हमारा रिचार्ज खलास हो चुका है, जब हमको एक फ़ोन करने थे। तो वड़ा पाव वाले ने उसको फ़ोन करने फ़ोन दिया अपना, तो उस फ़ोन पे से गाड़ी बुलाया और भाड़ा थरा के वो नासिक के लिए निकला। फिर वो गाड़ी वाला और हमारा भाई का लड़का दोस्त है, तो फिर उसको मेरे भाई के लड़के को बोला तू जा नासिक गाड़ी लेके, बदली में जाता है वो। तो वो नासिक के लिए रवाना हो गया 4:30 बजे पालघर से। फिर नासिक पहुँचने के बाद उन्होंने हमारे भाई के लड़के का कॉन्टेक्ट खत्म हो गया। हम रिंग करते हैं वो नहीं उठा रहा है, रात भर हमने रिंग किया नहीं उठा रहा है। फिर हम पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन से भी बोला कि तो हम आपकी कंप्लेंट ले लेते हैं, आप भी ढूंढो हम भी ढूंढते। अभी एक पुलिस नासिक के आगे गाड़ी निकल गया,